बवंडर पूरा यूट्यूब शमशान बना दूंगा। अरे ओ कैरी मिनाटी, क्या बोल रहा था, बवंडर कब आएगा? ये देख, इसे बोलते हैं बवंडर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा कौन सा टॉपिक है। आज का हमारा कुछ डैशिंग टॉपिक है, मतलब डैशिंग नहीं। आज आप बस वीडियो देखते रहे, आपको भी मजा आएगा। अगर आपको वीडियो मजा आता है, इस वीडियो में आपको देखकर मजा आता है, आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस लगते, मेरे वीडियोस देखकर आपको इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको नॉलेज मिलता है, आप एंटरटेन होते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। जैसे स्क्रीन पर मैं कर रहा हूँ वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इधर उधर की बातें नहीं करते, अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते। ओके गाइस, हमने थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट किया था, बहुत लोग रोस्ट करते रहते उसको, क्योंकि वो यूट्यूबर को छपरी यूट्यूबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी बोलते रहते हैं। वो बस यूट्यूबर को गाली वगैरह बकते रहता है, वो मुँह से हंकते रहते, उसका कुछ वही काम धंधा, उसका धंधा ठप हो चुका है, इसलिए वो रोस्टिंग खाया और रोस्टी खाने वाला है, सबसे रोस्टी खाएगा। उसको कुछ नहीं, उसको खाने के लिए तो कुछ नहीं आता, बस हंकते रहते हैं, मुँह से हंकेगा तो खाने के लिए उसको टेस्ट कैसा अच्छा लगेगा, इसलिए वो बस रोस्ट खाते रहेगा। आपको तो पता होगा जोगिंदर का नया डिस्ट्रैक्ट आया था, अभी लेटेस्ट डिस्ट्रैक्ट। ये डिस्ट्रैक्ट छोड़िए, पहले के भी जो डिस्ट्रैक्ट थे, पहले के भी जो वीडियोस थे, उसके जो सॉन्ग थे, सॉन्ग तो नहीं कह सकते उसको, बस कुछ भी कह लीजिए, उसको गाने के इसमें नहीं ला सकते, क्योंकि अपने गाने की बर्बादी हो रही है। मुझे भी रैपिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन उसके रैप सुनकर ऐसा मन होता है रैप ही छोड़ दूँ भाई। रैप का मतलब मूड ही उड़ जाता है रैप के ऊपर से, उसके गाने सुनता हूँ ना तो गाने से मूड हो जाता है, इसलिए उसके गाने मत सुनिए आप, ये मेरी बात हमेशा ध्यान में रखिए। रफ्तार भाई ने ये कहा था, जोगिंदर सब कुछ समझ चुका है, उसको पता है हम लोगों को हेट करेंगे तो लोग अपने वीडियोस तो देखेंगे। उसका क्या है, उसके वीडियोस पर व्यूज आ रहे हैं अच्छे, मिलियन मिलियन में व्यूज जा रहे हैं। ऐसे थर्ड क्लास रैप को मिलियन में व्यूज मिल रहे, मतलब क्या? अपने अच्छे अच्छे रैपर से उनको भाव दीजिए ना, वो उसको क्यों जोगिंदर के ऊपर, मतलब क्या हो रहा है उसको, मत उसको समझ चुका है कि हाँ ऐसे ऐसे करने से ये हो रहा है, इसलिए वो वैसा कर रहा है। उसको व्यूज मिल रहे, उसको पैसे मिल रहे, बस उसको और क्या चाहिए। उसके काम में हमें उसकी मदद करें, आपको तो पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, नॉलेजेबल वीडियो है बहुत। ऐसे मतलब जो भी फालतू वालतू लोग आते रहते बीच बीच में ट्रेंडिंग में आते रहते, उनके वीडियोज पर व्यूज देखे, मिलियन मिलियन में व्यूज है। मिलियन व्यूज क्यों जाते हैं? हमारे वजह से जाते हैं, हमें उनकी मदद कर रहे। ये गलती मत कीजिए, उनके वीडियोज मत देखिए, उनको ट्रेंड में मत लाइए। उनको पैसा मिल रहा है, उनको फेम मिल रहा है, लॉस हमारा हो रहा है। किसने कहा था? रफ्तार भाई ने कहा था, आपको पता होगा, आपने थंबनेल देखा होगा, आपको तो पता है रफ्तार भाई ने सही, मतलब 101 तक का सच्ची बात कही है उन्होंने, एकदम सही बात कही है। आप समझिए यार, उनके बात पर थोड़ा गौर कीजिए। इस वीडियो से तो आपको नॉलेज मिल गया होगा कि ऐसे फालतू लोगों को टाइम मत दीजिए, उनके वीडियोस ट्रेंड पे मत आइए, ये गलती कभी मत करना। सभी यूट्यूबर्स को, सभी जो यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, सबको रोस्टिंग में वीडियोस इंटरेस्ट, रोस्टिंग वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रहेगा तो आपको पता था। ऐसे जो फालतू लोग रहते ना जिनको लोग रोस्ट करते हैं, ऐसे मंजर एग्जांपल में जोगिंदर को ले लीजिए, वो तो फुकट के पैसे कमा रहा है, फुकट के उसको फेम मिल रहा है, और उसको क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, हमारे वजह से उसको फेम मिल रहा है, हमारे वजह से सब कुछ हो रहा है, ये गलती मत कीजिए। आपको अभी समझ गया होगा कि ये गलती कभी, क्या गलती नहीं करनी, आपको समझ गया होगा भाई, थोड़ी सी बात पर गौर कीजिए। बस आपको यही समझाने का था आज की इस वीडियो में, आपको समझ गया होगा, आई होप आपको तो समझ गया ही होगा। अगर नहीं समझते तो वीडियो को कट करके रिटर्न वीडियो देखिए, आपको समझ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक तो अभी तक आपने कर दिया होगा, थैंक यू। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।